कस्बे में तुलसी एवं शीलाग्राम के विवाह उत्सव पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रातः भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो दोपहर को तुलसी एवं शालिग्राम जी की झांकी निकाली गई। झांकी मुख्य बाजारों से होती हुई वापस गणेश मंदिर पहुंची। झांकी का कस्बे में जगह जगह स्वागत किया गया। झांकी को देखने के लिए कस्बे वासी बाजारों में उमड़े। गोविंदगढ़ में इस प्रकार का कार्यक्रम पहली बार किया गया। कमलेश खोड़ापति ने बताया कि देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करने की मान्यता प्रचलित है। माना जाता है कि जो लोग कन्या सुख से वंचित होते हैं, यदि वो इस दिन तुलसी एवं शालिग्राम जी का विवाह कर कन्यादान का लाभ प्राप्त करते हैं, इसी दिन से ही लोग सभी शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं। और गणेश मंदिर में सारा प्रोग्राम हो रहा है।